हेलो स्टूडेंट्स, सो तुहानू लास्ट चैप्टर दे विच जिहड़े कुछ पेजिज़ नहीं मिल रहे सीगे बेटा, उहदी मैंने PDF भेजती हैगी है। तो अगर कोई किसी नू प्रॉब्लम आती है तो मैनू वह प्रॉब्लम तुसी ग्रुप च सेंड करो, क्योंकि वह प्रॉब्लम एक पर्टिकुलर बच्चे की नहीं है, वह कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हुण अगर कोई टॉपिक तुहानू नहीं मिलता हैगा तो मैंने रितिकाल कोल भी बुक हैगी, वो तुहानू भी फोटोज़ भेज सकती हैगी, मैं भेज दिया करूँगी। जब कोई दिक्कत आती है इस तरह की तो तुसी ग्रुप च इनफॉर्म करो। हुण अपना अगला टॉपिक हैगा डेटा मॉडल। डेटा मॉडल जिहड़े हैगे ने वो की हुंदा हैगा, कलैक्शन ऑफ कॉन्सैप्ट दैट आर यूज टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, प्रोवाइड नसैसरी मीन टू अचीव दिस एब्सट्रैक्शन, भी अपना डेटाबेस का स्ट्रक्चर किस तरह होएगा। तीन ग्रुप्स हुंदा बेटा, ऑब्जेक्ट बेस्ड हो गया, रिकॉर्ड बेस्ड हो गया, तो फिजिकल बेस्ड हो गया। ऑब्जेक्ट बेस्ड जिहड़ा लॉजिकल मॉडल हैगा वह हो गया ER मॉडल, ऑब्जेक्ट मॉडल, सिमेंटिक, फंक्शनल। ठीक है, तो ER मॉडल जिहड़ा हैगा वह आप अगे जाके डिटेल करांगे। वैसे ये सारी चीज़ा ऑब्जेक्ट मॉडल जिहड़ा हैगा दैट इज़ बेस्ड ऑन कलैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो ऑब्जेक्ट्स कंटेन द बॉडीज ऑफ कोड दैट ऑपरेट ऑन द ऑब्जेक्ट, तो क्लासिज होंदियां ने, क्लासिज आर द कलैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विन कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ वैल्यूज एंड द सेम मैथड्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लासिज का कॉन्सैप्ट तुहानू क्लीयर ही है। सिमेंटिक जिहड़ा हैगा दिस इनकलूड्स द एक्सटेंडेड रिलेशन, सिमेंटिक नैटवर्क एंड फंक्शनल मॉडल्स। तो जिहड़ा हैगा सब तो पहला आप करांगे रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल। रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल इज़ यूज टू डिस्क्राइब द डाटा एट लॉजिकल एंड व्यू लैवल्स, इन कंट्रास्ट टू ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल दे यूज टू स्पेसीफाई ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डाटा बेस, प्रोवाइडिंग द हायर लैवल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंप्लीमेंटेशन। जिहड़ा हाले तक आप जिहड़ा स्टूडेंट वगैरह का टेबल वगैरह किया हैगा वह रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल सीगा ना। उहदे च इक तां रिलेशनल मॉडल हो गया, जिवें आ देखो टेबल बनिया होया हैगा। ठीक है, इहदे च जिहड़ा रिलेशन होंदा, कंसैप्ट ऑफ रिलेशन उहदा टेबल हो गया। तो मतलब यह जिहड़ा रिकॉर्ड बेस्ड है ये तीन तरह के हो गए, रिलेशनल मॉडल हो गया, हायरार्किकल हो गया, तो नैटवर्क हो गया। देखो इहदे च इंसर्शन डिलीशन अपडेशन जिहड़ा हैगा वह ईजी है, ईजी टू यूज़ है, वेरी फ्लैक्सीबल है, वाइडली यूजर ते प्रोवाइड एक्सलेंट सपोर्ट। ठीक है, ये अगर आपने 103 डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं, शाम की जगह आराम करना वो कर सकते हैं, अपडेशन हो जाएगी। इंसर्शन अगर 103 ऐड करना वो भी ईजली ऐड हो जाएगा। ठीक है, सिक्योरिटी कंट्रोल भी है, तो डाटा इंडिपेंडेंस आराम अचीव हो जाएगी। डिसएडवांटेज जी हैगी है वह हैगा लार्ज, फॉर लार्ज डाटा बेस द परफॉर्मेंस क्वेरी इज़ वेरी पुअर। जी आप क्वेरी करते हैं भी हाँ मैनू वो स्टूडेंट्स दिखाओ जिन्हें 90% तो उत्ते, अगर थोड़ा डाटा बेस, छोटा डाटा बेस है तो जल्दी रिकवरी हो जाती है, वड्डा तो लेट। प्रोसैसिंग रिक्वायरमेंट नीड टू बी कंसट्रक्ट द इंडैक्स, फिर प्रोसैसिंग वास्ते अपन इंडैक्सिस क्रिएट करने पैंदे। हायरार्किकल दल विच उही हुंदा भी जिवें एक रूट हो गया, पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप हुंदा है बेटा, ये रिकॉर्ड बेस का पुराना मॉडल है। ठीक है, तो जिवें आ पेरेंट हो गया रूट, ये अगे तीन चाइल्ड हो गए, सैकेंड के अगे तीन चाइल्ड हो गए, इस तरह इन्हों आप लीफ कह दें है। ठीक है, ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशन होंगे है, जिहड़ा रिलेशन चाइल्ड टू पेरेंट है वो वन टू वन होंगे, भी एक चाइल्ड का एक ही पेरेंट हो गया, अब एक पेरेंट दे मैनी चाइल्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो यदि एग्जाम्पल हैगी है देखो, फैकल्टीज़ ने अलग अलग रूम कोर्सिज नू टीच करते हैं, अलग अलग कोर्सिज अलग अलग स्टूडेंट्स होंगे ने, तो एडवांटेज इन भी ईजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, परफॉर्मेंस बैटर है, तो वाइडली यूज है। यदा हैगा भी डिफिकल्ट टू एक्सैस लोअर लैवल, क्योंकि आप पहला पेरेंट तो चाइल्ड, फिर वो चाइल्ड, फिर वो चाइल्ड तो जावे, तो लोअर लैवल में एक्सैस करना डिफिकल्ट है, फ्लैक्सीबल नहीं है, एक्सट्रा स्पेस कंज्यूम करता है, क्योंकि पॉइंटर्स है ना क्रिएट करने पैने, भी चाइल्ड है, वो चाइल्ड है भी पर्टिकुलर जगह जाने वास्ते पॉइंटर्स क्रिएट करने पैने, स्कोप लिटल है, तो यदि प्रॉब्लम
जिथे आप DML यानी डाटा मैनिपुलेशन लैंगुएज यूज करनी है तो वह प्रॉब्लम क्रिएट करता हैगा। नैटवर्क मॉडल जो है इट इज़ अ प्लेक्स स्ट्रक्चर एज इट्स बेसिक डाटा स्ट्रक्चर इट कंसिस्ट ऑफ आर्क्स एंड नोड्स। इस तरह होंगे ने दीज आर द नोड्स एंड दीज आर द आर्क्स। ये है दो रिकॉर्ड्स का, यह है मोर दैन वन रिकॉर्ड। जी मेरे एक प्रोग्रामर न एक प्रोजेक्ट ने एक प्रोग्रामर तो इतने एक प्रोग्रामर न दो प्रोजेक्ट तो एक प्रोग्रामर दो प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट न आ दो प्रोग्रामरस जोड़े ने वो प्रोवाइडेड ने। तो ये जी है पॉइंटर्स के नाल और लिंक्स के नाल ये नोट्स जोड़े ने वो रिकॉर्ड बनते हैं। नोट कॉरसपोंड टू द रिकॉर्ड टाइप एंड लिंक्स टू द pointers the network data structures looks like a tree type structure except the independent node called child and member have their more than one parent or but ode ch ta eh si ga na hierarchy ch ta deep ek parent hoga ek to zyada child hon ke bade de ch many many da concept hai te ede ch jehdi insertion deletion or updation hai ki hai tinno cheeza possible ne easy hai theek hai। तो जरा ये एडवांटेजेस ने इट इज़ एबल टू कंस्ट्रक्ट द कंपलैक्स मॉडल इट कैन हैंडल द मोस्ट सिचुएशंस ऑफ मॉडलिंग यूज्ड रिकॉर्ड टाइप रिलेशनशिप टाइप द लैंग्वेजेस नेविगेशनल डिसएडवांटेज इंसर्शन डिलीशन डिलीशन सर्टन नोड्स इंफॉर्मेशन डिफिकल्ट है। तो हुण इह जाके तुहाडे तीन डिफरेंसिज आ जाएंगे। So which model is the best model? Data model can be evaluated on the basis of usability, implementability and performance. Best depends upon the psychology orientation, that is hierarchical is best for mainframes. Network model is best who wants to control the storage location and search path. A relational model is best for query. So by this data model topic has been completed, and if you have any problem you can ask me anytime.